स्वायत्त शासन मंत्री एवं ब्यावर जिले के प्रभारी जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, दोनों का ध्येय देश और प्रदेश के विकास को गति देना है। आमजन को सरकार की योजनाओं का समुचित लाभ मिले, इसके लिए धरातल पर ठोस रूप से काम करने का प्रयास किया जा रहा है। वे सरकार को कलेक्टर सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव के समय जो घोषणा पत्र जारी किया था, उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। हाल ही में बजट में प्रदेश के सभी जिलों के लिए घोषणाएं की गई है, जिसकी क्रियान्विति तत्परता से की जानी है। इसलिए निचले स्तर पर समस्त जिला कलेक्टर को आवश्यक निर्देश देने के साथ प्रभारी सचिवों को भी जिलों में भेजा गया है। आज मैं भी इसी उद्देश्य को लेकर यहां आया हूं। इससे पूर्व शनिवार को प्रभारी सचिव ने यहां पहुंचकर ब्यावर जिले की आवश्यकताओं को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की तथा जो समस्याएं सामने आई हैं उन्हें चिन्हित किया गया, जिसके समाधान के लिए तत्परता के साथ काम किया जाना है। खर्रा ने एक सवाल के जवाब में बताया कि सरकार का पूरा फोकस इस समय बजट घोषणाओं की क्रियान्विति पर है। हम 15 अगस्त तक क्रियान्विति के लिए काम करेंगे और सितंबर माह तक हर हाल में घोषणाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। प्रभारी मंत्री खर्रा ने कहा कि ब्यावर जिले के ढांचागत विकास के लिए भूमि चिन्हीकरण, भूमि आवंटन, सरकारी कार्यालयों के लिए आवश्यक बजट, आवश्यक संसाधन आदि के बारे में जिला कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया है। सरकार की मंशा है कि आगामी मार्च 25 तक जिला मुख्यालय सुदृढ़ रूप से काम करने लग जाए। और इसी के साथ ही ब्यावर एकेज भवन के जर्जर हालात पर उन्होंने कहा कि इसके लिए अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। शहर की ऐतिहासिक धरोहरों की दुर्दशा एवं बिचली तालाब को अतिक्रमणियों से बचाने के लिए भी उन्होंने जिला कलेक्टर को 3 सदस्यीय एक कमेटी का गठन कर उचित कार्यवाही के लिए निर्देश दिया है। नगरीय निकायों के पुनर्गठन, चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर उनका कहना था कि सरकार ने नीतिगत फैसला कर लिया है कि सभी चुनाव को एक साथ संपन्न करवाया जाएगा। मकानों की दहलीज से ऊपर उठती सड़क निर्माण के सवाल पर मंत्री खर्रा ने गंभीरता जताई है और कहा है कि इसके लिए सार्वजनिक निर्माण मंत्री से उचित कार्यवाही के प्रयास किए जाएंगे।